Hey guys, welcome back to a new vlog. आज तुम्हारे भाई का बर्थडे. थैंक यू जितने भी लोग अगर कमेंट सेक्शन में किसी ने हैप्पी बर्थडे विश किया तो. और गाइस आज कुर्ते में क्यों बताओगे, मतलब आज शबे बारात है भाई. जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उन लोग को बता देता हूँ कि आज के दिन में मतलब जो भी गुनाह वगैरह किए रहते ना तो उसकी माफ़ी वगैरह मांगते रहते. तो भाई मेरे व्लॉग में अगर कोई जो मेरा पुराना दोस्त दिखता होगा जिसके साथ मेरी बात वगैरह बंद हुई, मेरी कुछ गलती अगर रही होगी तो माफ़ कर देना भाई, जेनरली माफ़ी मांग रहा हूँ. और बाकी के लोग जो लोग जिनके साथ मेरा कभी झगड़ा हुआ रहेगा पास में, जिसको मैंने मारा होगा या कुछ किया होगा, तो उसके लिए सॉरी भाई. मतलब तुम लोग की गलती थी इसलिए कुछ ऐसा कुछ हुआ, बट देन उसके बाद में तुम लोग को माफ़ी मांगता हूँ. मतलब मेरे को माफ़ कर दो, मतलब मैं मेरी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊँगा, क्योंकि इधर से माफ़ करने के बाद ही आगे बढ़ते ना कि भाई. और अच्छा हुआ भाई आज के दिन पे ये आया, मतलब मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे बर्थडे के दिन आज ये करके और हैप्पी, मतलब हैप्पी हो गया भाई. मतलब धीरे धीरे चीज़ें समझ के आ रहे हैं कि क्या गलती हुई क्या नहीं गलती हुई. अगर अच्छा दिख रहा होगा तो लोग कमेंट सेक्शन में बताओ. आज 3 घंटे का टोटल आपने नमाज है भाई, तो फिर आई एम सो सॉरी बर्थडे का. तुम लोग को इतना कुछ ऐसा जैसे तुमको लगा वैसे टर्न आउट नहीं हुआ, इतना ही था अभी. और कल परसों में अपन एक जगह पे जाने वाले, वो जगह के बारे में अभी तुम लोग के साथ में नमाज पढ़ने के बाद बात करता हूँ. बाय बाय. गाइस जब रमजान चालू होता है ना भाई, तो फिर ये कोंडवा या फिर पुणे में कैंप वगैरह साइड को, मोमिनपुरा वगैरह जगह पे ना, ऐसा कुछ हिंदू मुस्लिम एरिया ही रहता वो टाइम. देखो फिर पता है कि तुम लोग को पूरा जितने भी पूरा नॉन मुस्लिम क्राउड है ना, वो सब रमजान के टाइम पे खाने को आते हैं. मतलब पूरा ये ढीक भरा रहता है. मैं तुम लोग को वो भी सब दिखाऊंगा, ये पर यहाँ पे रहा था, यहाँ पे रहूंगा वैसा. आप ये नहीं कहते कि हम इस टूटे हुए दांतों के साथ आता है, सारी दुनिया जिंदगी नाफरमानी करके आता है. अल्लाह आप कहते हैं कि आजा मेरे बंदे, सांस के उखड़ने से पहले पहले अगर तू शर्मिंदा है, तू समझ चुका है तो आजा. बेसिकली क्या रहता पता है कि भाई आज के दिन में मतलब जो भी तुम लोग ने गुनाह किया है ऊपर वाले के साथ, या फिर किसी के साथ कुछ बुरा किया है तो क्या किया है, तो ऐसा वो ऐसा बोलते हैं कि माफ़ी का दिन रहता. तो तुम लोग जितना भी दिल से दुआ वगैरह मांग के ऐसा माफ़ी मांगे वो तुम्हारा दुआ कबूल होता है. तो ये सब लोग तुम लोग को गलती दिखती रहेगी, इसलिए आज के दिन पर ज़्यादा गलती ऐसा रहता. मता मेरे पीछे भाग, चल चले जा मेरी नज़रों से दूर, चले जा भाग. बना पाएंगे तुम वो मिरर बॉल उससे, फॉइल पेपर से? हाँ कुछ भी करता रहता पाले. सुनिए क्या हुआ, मेरा 25 फरवरी को बर्थडे था मेरा, बट देन वो ही दिन को बड़ी रात थी ना, तो फिर मैंने वो बर्थडे का ब्लॉग वगैरह इतना कुछ डाला नहीं, क्योंकि मैं इधर गया नहीं था. मतलब मैं कितना 12:30 तक नमाज ही पढ़ रहा था. उसका ग्लिम्स तुम लोग को इसके पहले के, मतलब ये इसके पहले के उसमें दिख जाएगा भाई. और अभी मैं जा रहा हूँ जिम को, उसके बाद फिर अपने को अभी जाने का. आज के दिन कैमरे रहने को, इतना टाइम तक जो तुम लोग बोल रहे थे ना उनको कि वो ये करो करके, मतलब अभी ऑर्डर करना पड़ेगा फिर कोई तो स्टोर से कर दूंगा. मेरे एक दो रिलेशन में लगते हैं मेरे, अशरफ करके, वो पूरा फिल्म इंडस्ट्री के इसमें है, उनके साथ बात करके अपन देखेंगे क्या होगा. और सीधा भी जिम के बाद मिलते भाई. ऊपर ज्यादा डरना मत, ठीक है, ज्यादा डरना मत भाई. पागल है क्या पंजाबी है? उधर बेचारा बस वाला इतना ट्रैफिक में रुका है और इसी जगह रेखी पैसे करते. पूरी दुनिया में जितने भी भाई गलत लोग हैं ना, सबकी नजर मेरे को लगती है इसका, मैं मर्डर डालने लगा ट्रक वाले का इधर भाई. मेरी गाड़ी वापस भाग दी भाई, क्या छूटे गिरी है यार. फक ऐसे लोग रहते. देखो भाई ये लोग ने ठोकने बिकने के बाद है ना, इनको डरने के नहीं, मेरे को निकल के मार भीर के दिखा रहा था क्या दिखा रहा था. ऐसे लोग को ना भाई इज्जत से बात नहीं करने का, इनकी जैसे तुमको मारने की ना मारो भाई, क्योंकि तुम जितने लोगों के साथ अच्छा रहोगे ना उतना रहकर फायदा नहीं है भाई. सब मादर चोद ना मादर चोद बन के रहने का. वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग. मेरे तुम लोग मेरा मुंह देखते हो क्या भाई? तुम लोग को समझते हैं कभी कभी देखते लोग तो हंसते रहे भाई, क्या क्या होता है इसके करके. देखो तो थोड़ा गुस्से में था, अभी नॉर्मल हो गया. वो भाई के बंधु आ गए अभी. मैं हर बार क्या मानूंगी तुम लोग को, सच्ची बात बताओ क्या, हर बार मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं कुछ नहीं करता और मेरे साथ आके चीज़ें होते, और मैं हर बार ना भाई दया दिखा के ये लोग बोलते कि मतलब बी पी ए मतलब है मी है नीते करके, और हर बार मैं इनको छोड़ देता हूँ. जो भी खर्चा आता रहेगा वो मेरे पापा भर देते भाई, वो उधर से मैं गा लेता था. इस बार बोला कि बस भाई मेरा हो गया, बोला अभी ये सब करके भाई. वो आदमी को बोला जितना खर्चा आता रहेगा तो उधर जाके अंदर बात कर ये कर. 55,000 का खर्चा आ गया, ये भी तुम लोग को बता देता. उसके बंधु आ गए, मस्त वो बंधु गाड़ी भी चेक कर रहे.
मेरी जान तूने मुझको पागल है किया। वेलकम बैक गाइस, मैं मस्त। अभी जो भी सीन तुम लोग ने पूरा देखा होगा ना, मैं बहुत गुस्से में था, मैं बहुत गुस्से में था। एक्चुअली सीन क्या हो गया, मैं जिम से आया, शायद से व्लॉगिंग ही कर रहा था मैं, ऐसा बैठा ऐसे में कि मैंने गाड़ी बाहर निकला और पीछे से वो आदमी डायरेक्ट आके पूरा अंदर घुसा यार। और फिर मैं उसको हॉर्न बजा रहा हूँ, गालियों पे गाली डाल रहा हूँ, उसने और आगे गाड़ी लिया, तब जाके पीछे का वो पूरा ये हुआ। उसमें फिर उसको आगे अड़ाया मैंने, उसके पास से उसको गालियों पे गालियां दे रहा था, सब ये कर रहा था भाई, क्या मालूम वो क्या उसके माज में था भाई। फिर नीचे उतरा, मेरे को कोयता निकल के ऐसे मेरे को डराने का दिखाया। फिर जैसे उसने कोयता निकला ना भाई, मेरा दिमाग सर का भाई पकड़ा रहा है उसको, उसको बोला अभी ये सब बोलने का नहीं मेरे को, ये मेरे घर वाले भी देखेंगे और गिर गिर करेंगे बाद में। फिर वो उसको जैसे उसने दिखा ना, मेरा और गुस्सा बढ़ रहा है। फिर वो मैंने जब उसको ऐसा और गुस्सा दिखा ना भाई, तो फिर वो थोड़ा समझ गया कोई तो भी एडा दिख रहा है मेरे से ज्यादा करके। फिर उसको वहाँ से गाड़ी में बिठाया, उसको गाड़ी में बिठा के शोरूम में लेके आया, शोरूम में फिर पूरा कोटेशन वगैरह निकाला। फिर एट द एंड उसके साथ तोड़ पानी करके उसको बोला जो इतना रहेगा उधर भर दे करके भाई, मेरे पास दे भी मजबूत करके। फिर मैं गाड़ी मेरा निकल गया, क्योंकि गाड़ी उधर रख के फायदे नहीं ना गाइस। अभी मेरे को अनफॉर्चुनेटली ऐसी गाड़ी लेके आज के दिन घुमाना पड़ना था, क्योंकि मेरे को दो काम थे भाई, क्योंकि अपने को आज वो 360 कैमरा खरीदने का है। खरीदने का इन द सेंस, मैंने वो जो सुबह व्लॉग में तुमको बताया ना भाई, कि वो मेरे भाई जो इसमें काम करते करके उनके साथ बैठ के पूरे एक प्रॉपर मेरे को मॉडम खरीदने का, नहीं क्या मतलब वो पीछे ये हो गया अपना पूरा 360 शॉट्स आएगा नहीं कि गाड़ी चलाते उसका, उसके वो एक काम था। और दूसरा मेरा एक पर्सनल काम था थोड़े पैसे का, वो ये करना था, बस इतना ही काम था। और फिर मैं सोचा कि आज बॉयज के पास जाऊंगा कि आप भी मोनू का स्नैप देखा सीधा, फिर अपन मिलते हैं मोनू के पास। अभी वहाँ पे ये लोग मेरे इतना मजाक कर रहे हैं भाई गाड़ी का, ये मेरे को कुछ लेने देना नहीं, अभी मैं एकदम शॉर्ट चल रहा है भाई, क्योंकि भाई मेरे को एक समझ के आ गए। वो अभी मैं हर्ष बेनीवाल का वीडियो देख रहा था, उसमें बहुत भारी बोला वो पूरब झा, वो बोला कि नेगेटिविटी में जिंदगी नहीं, जिंदगी में नेगेटिविटी हो गई, सॉरी नेगेटिविटी में जिंदगी हो गई बोल रहे डायरेक्ट। अरे मैं जाऊँगा कहाँ से भाई, इधर से तो रास्ता बंद कर दिया, क्या सीन करते रहते यार, फक। चलो देखना पड़ेगा क्या होता है, पता है क्या हर बार है ना, मतलब कोई ना कोई तो भी ट्रक वाला आके मेरे साथ ये करता है। अभी ये तुम लोग को देख के मेरा समझ रहेगा भाई, और हर बार मेरे डैड को भी और दोस्त लोग को क्या लगता है पता है, कि मैं गाड़ी भगाते रहता हूँ इसलिए मैं किधर तो भी जाके ठोक देता हूँ। और दर्द ज्यादा कब होता है पता है क्या, जब खुद से जब गाड़ी ठोकते हैं ना भाई, गाड़ी का भूगा हो गया, इधर से टूक गए उधर से टूक गए, बुरा लगता है पर दर्द नहीं होता ना क्या, चल खुद से मरा है अपना जो होगा देख लेगा, ऐसा वाला विषय रहता है ना क्या भाई। पर ये अलग ही सीन होता भाई यार इन लोग का, ला 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 जब कोई दूसरा आके ठोक के जाता है ना भाई, इतना गंदा दर्द करता ना भाई ऐसा। और ऊपर से जो हिसाब से उसका मास था ना, उसका मास मैंने पूरा मोड़ा भाई। इन शॉर्ट तुम लोग को मेरे को ये बोलने का कि तुम लोग भी कुछ जो ऐसा ब्लॉग वगैरह देख रहे होगे, वो कभी तुम्हारी टू व्हीलर ट्रक वालों ने घास दी, कभी ये कर देना भाई, तो उनके बातों पे कभी जाओ मत भाई। ये लोग चूता में निकलते हैं और मैं सबसे ज्यादा इनमें चूता में निकलो भाई। मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट कम से कम ना 15 से 16 बार से ट्रक वालों ने ठोकर होगा, मैंने कभी एक बार उनके पास से पैसे ले जाने भाई, गालियां पे गालियां दी। बट जब पैसे की बात आते ना भाई, मेरे को ऐसा हराम लगता है, वो कभी मैं लेता नहीं भाई। पर मेरे को एक समझ के आएगा कि ये लोग ऐसे ही करते हैं भाई, क्योंकि इनको कुछ लेना नहीं, थोड़ा सा नाटक करेंगे, गरीब है ये वो बोलेगे भाई, मस्त अपना माँ बाबा खाएगा और जाएगा दारू पीते पीते भाई। तो इन शॉर्ट जब तुम्हारे ऐसा कभी कभी होता है ना भाई, तो लो पैसे जितना नाटक करेंगे ना उतना करते रहते वो, मतलब तुम्हारे से अगर झेपा तो मेरे पास भी जब वो लोग आए ना भाई, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, बंधु लोग आए, फिर वो भी खिड़की करने लगे, आमी गरीब है, आमी है, आमी ते, आम सा है, अंते, हाथ में मस गोप भी इधर साइड को पूरा ये लेके फिर रहा और बोल रहे गरीब है। मतलब मेरे को लोगों का मेंटेलिटी भी समझ के नहीं आता, जब तुम्हारी गलती है तो तुम उसमें क्या मतलब ऐसा क्या मतलब क्या क्या ऐसा होता था। मेरे को आजू बाजू क्या चल रहा है वो समझ के नहीं आ रहा भाई, इन सब पोस्ट देख रहा हूँ तो फिर समझ के आ रहा है कि जो लेट सिद्धू मूसे वाला अपने जो ये था वो ये हो गया, अभी उनके वो प्रेग्नेंट हो गए तो अभी वापस न्यू सिद्धू मूसे वाला ये होगा वो होगा, तो अच्छी बात है अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो, बट समझ के नहीं आ रहा क्या हो रहा है आजू बाजू भाई, ऐसा हो रहा सिद्ध क्या, बट मजा तो आ रहा है भाई, क्या हो रहा है क्या नहीं देख के ऐसा ठीक तो लग रहा है भाई। सब जा रहा हूँ अभी, मोनू को फोन लगाया भाई, मोनू बोला मोनू से काटे, मोनू से काटे कूटे है, फिर मोनू हंसा भाई, इतने दिन से मैंने बात नहीं किया ना भाई वो लोग से, मैं जरा थोड़ा मेरा मतलब मैं मेरा जोड़िया एक्शन पाइसेस है ना भाई, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं क्या होता है मैं गायब हो जाता हूँ भाई, मेरे को अगर ऐसा कुछ ठीक नहीं लगा या फिर मैं मेरे इसमें नहीं रहना भाई तो मैं गायब हो जाता हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता, क्योंकि मेरे को सामने वाले को वो एनर्जी देने को रहती ही नहीं पॉजिटिव वाली। मैं जाऊँगा मेरा उनको मेरा उदास मुँह देखेगी, फिर मेरे से उनको नेगेटिव वाइब आएगी, फिर उनको मेरे से बाद में बोर होगा, तो इसलिए मैं जाता ही नहीं भाई। उनकी बात नहीं कर रहा, मतलब हर एक का मेरे कैरेक्टर का ये बात कर रहा है कि मैं घर वालों के साथ भी ऐसे करता हूँ, जब मैं बस देने को सब रहता ना तब मैं आके बात करता हूँ भाई, बात करो वो ऐसा वाला सीन करके भाई। चलो अभी सीधा मिलते हैं अपन उधर, बाय बाय गाइस। मेरे को एक्चुअली मैं थोड़ा जो उनके जो साथ में जो आए थे ना 4-3 लोग, मैं बहुत गुस्से में बात किया क्योंकि वो लोग का बहुत अलग अलग ये चल रहा था और बड़े थे मेरे से उम्र में भाई, तो फिर मेरे को अभी थोड़ा ठीक नहीं लगा, इसलिए फिर उनको कॉल करके बोला कि तुमसे परीक्षा में वाया नहीं लाने मनु मोला साहेब वगैरह बोल रहे काका
लाने त्याशोभा ने बोला करके उनका बोला फिर ये ऐसा ऐसा विषय है इंश्योरेंस में क्लेम कर दो मेरी गाड़ी जितना होगा उतना आप दे दो करके वो बोला ठीक है चलेगा तो अपना वो शॉर्ट हो गया कल वापस गाड़ी शोरूम में छोड़नी पड़ेगी 8-10 दिन के लिए गाड़ी नहीं रहेगी तब तक के लिए कुछ तो एक अल्टरनेटिव अपन ढूंढ लेंगे और कैमरा तो कुछ भी करके अपने को आज और कल में लेने गए तो आज का तुम लोग को कंटेंट ये हो जाएगा ओ वो ऐसा कार अभी तो 2 दिन पहले आ गए थे वापस एक्सीडेंट हो गया हाँ हाँ ये तुम लोग ऐसा देख लो ठीक है मेरा मेरे को मालूम है कि मेरे साथ क्या चीज़ें हो रहे हैं तुम लोग भी तुम्हारा नहीं क्या कंटेंट एंजॉय करो भाई ओका बाय पाले जरा जरा तू नेड़े नेड़े आ नेड़े मेरे साथ नेड़े मेरे नाल ये लोग ऑन द वे खाने को डिसाइड कर रहे हैं किधर जाने के बाद अभी तक डिसाइड किए नहीं और वो लोग आगे चले गए भाई मैच चालू हुई वी ऑफ हो गए भाई वो लोग राहुल के I-20 से निकल गए मैं मेरे गाड़ी में निकल रहा हूँ पहले पुणे में जा रहा हूँ मैं एक काम है कैंप में वो करके सीधा घर पे पागल ये एंट्री थी नहीं उधर से एंट्री थी स्कूल यहाँ से एंट्री She needs to talk to the core team. Thank you for joining. Wow. Avanti, तुमने ले लिया ना attendance? क्या life है तुम लोग की? हाँ, मैंने screen chance भी ले लिया है और अच्छा तुम लोग अभी से job वाली इसमें आ जाते हो मतलब ऐसे ऐसे आगे रह गए? Yeah, corporate life ऐसे ऐसे रहने का हमको ऐसे we have to also talk a certain way. Okay. Yeah. कि can we do this? In round about this time. अभी वो बात क्यों नहीं कर रही? सबको members को वो बाकी के छोटे members को छोड़ने बोल रहे अभी heads heads के साथ अभी गाड़ी मारेगी. ओह अभी तेरे को कुछ बोलेगी? नहीं मेरे को जितने भी लोग हैं 8 लोग हैं. वो रोई ना सच्ची बोल रोई ना वो कौन दीजो रोई वो? President. I am believing in guys कि जब जो भी होगा it would get done. रितिका जो भी तुम्हारा वो नाटक वगैरह उन लोगों से बात कर लो जो भी करना है. ओह �